नमस्कार, मैं वैशाली बेरागी डीजीएनएन न्यूज निमाड़ में ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं। श्री नवग्रह ट्रॉफी 2018 अखिल भारतीय आमंत्रित हॉकी स्पर्धा युवाओं में के दमखम तो वरिष्ठ खिलाड़ियों के अनुभव को मिली सराहना, किसी टीम को मिली जीत तो किसी टीम को मिली दर्शकों की प्रशंसा। श्री नवग्रह ट्रॉफी अखिल भारतीय आमंत्रित हॉकी स्पर्धा 2018 का दूसरा दिन रोमांच से भरा रहा। दोपहर के पहले 4 मैच हुए। जैसे कि अभी अभी एक का फोन आया कि डीजीएनए पे बहुत शानदार आवाज आ रही है, कमेंट्री की भी, थोड़ा एसआर वाले भी कुछ करें, विजन वाले। डीजीएनए केबल नेटवर्क पर सीधा प्रसारण, डायरेक्टर अमित भावसर, अमित जैन, जितेन भदौरिया, श्याम कुशवाहा, कैमरामैन देवेन यादव, सहयोगी नीरज भावसर, संतोष सोलंकी, संजय वर्मा, दुर्गेश यादव, विनोद कोले और मीडिया सहयोगी खरगोन में सबके चहेते बाबा मीडिया। जिला हॉकी संघ के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय आमंत्रित हॉकी स्पर्धा का दूसरा दिन रोमांच से भरपूर रहा। दूसरे दिन उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर शुक्रवार को दोपहर पूर्व 4 मैच खेले गए। संयोजक विपिन गौर ने बताया कि टीमों में युवा खिलाड़ियों का खेल काफी प्रशंसनीय है, वही वरिष्ठ खिलाड़ियों का अनुभव भी देखने को मिल रहा है। दूसरे दिन मॉर्निंग सेशन में पहला मैच इटारसी और नासिक के बीच खेला गया। इसमें नासिक के विक्की यादव, बिरला सिंह, जगदीश सिंह, नेल्सन बेंगला व नरेंद्र कुमार ने एक एक गोल कर टीम को 5-0 से विजयश्री दिलाई। दूसरा मैच उज्जैन और खरगोन के बीच खेला गया। इसमें प्रथम हाफ में मिडफील्डर संतोष दांगी, वीरेंद्र जोशी के शानदार तालमेल से फॉरवर्ड निशांत पटेल ने एक गोल किया। जवाब में उज्जैन टीम कप्तान संदीप सौदे व अशोक अजमावत ने एक एक गोल किया। यह मैच उज्जैन टीम ने 2-1 से जीता। तीसरा मैच नरसिंहपुर व भुसावल के बीच खेला गया। इसमें भुसावल के असलम तड़वी ने 2 गोल व शमीम बेग ने 1 गोल किया। जवाब में नरसिंहपुर के आशीष ओरेहा व पंकज खरारे ने 1 गोल किया। यह मैच भुसावल ने 3-1 से जीता। चौथा मैच गुड़गांव व रायपुर के बीच हुआ। गुड़गांव ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। गुड़गांव के रमेश कुमार, मोहनीश सिंह, कुशीराम, दिलीप राय ने 1-1 गोल किया। वहीं रायपुर के मनोज व अजय ने 1-1 गोल किया। यह मैच गुड़गांव ने 4-2 से जीता। इस दौरान महेश सोनी, राजेंद्र पटेल, कोच अनिल पांडे, राष्ट्रीय महिला शिवानी मैना, अशोक गौर, वरिष्ठ खिलाड़ी मजहर भाई, राजू जगतापी, पूर्व गोलकीपर राजेंद्र पटेल, काका सिंह छाबड़ा, प्रकाश अवहार, क्रीड़ा अधिकारी अश्विन गुप्ता, योगेश वाघ, हबीब बेग मिर्जा आदि मौजूद थे। संचालन शंकर मैना ने किया। ये रहे बेस्ट प्लेयर। कोच इकबाल खान ने बताया कि पहले मैच में राजू हरदुआ इटारसी, दूसरे मैच में गोलकीपर बबलू राधेश्याम खरगोन, तीसरे मैच में बेस्ट प्लेयर अनुराग सिंह नरसिंहपुर व चौथे मैच में राकेश टोपो रायपुर बेस्ट प्लेयर रहे। बेस्ट प्लेयर के चयन के लिए विशेष चयन कमेटी बनाई गई है। इसमें वरिष्ठ खिलाड़ी व प्रशिक्षकों को नियुक्त कर रखा है। कमेटी सदस्य मैच के आधार पर खिलाड़ी की इंडिविजुअल स्किल, गेम प्लान, प्लेयर कॉम्बिनेशन, पासिंग परफेक्शन आदि मापदंडों के आधार पर बेस्ट प्लेयर चुनते हैं। आकर्षण का केंद्र रहे इटारसी के 52 वर्षीय खिलाड़ी। वरिष्ठ खिलाड़ी जयदाज दांगी ने बताया कि पहले मैच में इटारसी के मिडफील्डर राजू हरदुआ, उम्र 52 वर्ष, आकर्षण का केंद्र रहे। राजू ने बताया कि 12 वर्ष की उम्र से हॉकी खेल रहे हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में प्रदर्शन किया है। वेल्डिंग कार्य करने वाले राजू का कहना है कि वे प्रतिदिन समय निकालकर हॉकी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। फिटनेस के साथ साथ नए खिलाड़ियों को सिखाने का मौका भी मिलता है। वहीं भुसावल के वरिष्ठ खिलाड़ी व फॉरवर्ड शमीम बेग पूर्व भारतीय टीम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं भी खेल चुके हैं। वरिष्ठ खिलाड़ियों के खेल कौशल को बहुत सराहना मिली। क्वालिफाइड व एफिलेटेड है रेफरी। जिला हॉकी संघ सचिव व कोच इकबाल खान ने बताया कि विभिन्न मैचों में रेफरी नेशनल रेफरी नीरज राय होशंगाबाद, जाकिर शेख जबलपुर, गुरुनाम सिंह टीकमगढ़, देवकीनंदन ग्वालियर, प्रवीण यादव जबलपुर रहे। सभी रेफरी क्वालिफिकेशन परीक्षा उत्तीर्ण है। वे हॉकी इंडिया से एफिलेटेड व रजिस्टर्ड रेफरी हैं। सभी विभिन्न अखिल भारतीय, राष्ट्रीय आदि प्रतियोगिताओं में रेफरी की भूमिका निभाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीएनए न्यूज़, खरगोन।